कुरुक्षेत्र के पिहोवा मंडल में रोड शो करने पहुंचे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मोदी गारंटी को फर्जी बताते हुए कहा कि मोदी गारंटी नहीं, केजरीवाल गारंटी पर भरोसा करें। उन्होंने देश में 24 घंटे बिजली, शानदार सरकारी स्कूल, मोहल्ला क्लिनिक जिनमें मुफ्त इलाज, ऑपरेशन, पाकिस्तान चीन द्वारा कब्जाई जमीन छुड़वाने, अग्निवीर योजना का सरलीकरण, स्वामीनाथन आयोग रिपोर्ट लागू करना, ओल्ड पेंशन स्कीम बहाल करना, भ्रष्टाचार बेरोजगारी दूर करना व GST सरलीकरण की गारंटी दी। केजरीवाल ने लोगों से मार्मिक अपील करते हुए कहा कि मेरा क्या कसूर, मुझे क्यों जेल भेजा गया। तीसरी चीज, इस देश में जो बच्चा पैदा होगा उसका अच्छी और फ्री शिक्षा उसका अधिकार होगा, चाहे गरीब का बच्चा हो चाहे अमीर का बच्चा। तीसरी चीज, गांव गांव के अंदर, मोहल्ले मोहल्ले के अंदर मोहल्ला क्लिनिक बना दूंगा, हर जिले के अंदर शानदार सरकारी सिविल हॉस्पिटल बनाएंगे, एयर कंडीशन फैक्स और मोटे मैक्स और फोर्टिस से भी अपोलो से भी ज्यादा अच्छे अस्पताल बनाएंगे सरकारी। और इस देश में पैदा होने वाले हर नागरिक का सारा इलाज मुफ्त करेंगे, दवाइयां, ऑपरेशन, कोई बीमारी हो जाए सारा इलाज मुफ्त होगा, या इंश्योरेंस नहीं देंगे, होना चाहिए नहीं होना चाहिए, ये असली राष्ट्र निर्माण है, ये असली राष्ट्र निर्माण। आज मैं आपको गारंटी देके जा रहा हूं, ये केजरीवाल की गारंटी है। मैंने दिल्ली वालों को जितनी अभी तक गारंटी दी सारी पूरी करी, इसीलिए दिल्ली वाले प्यार करते हैं मेरे को। आज मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, एक तो ये 4 जून को इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है केंद्र में, जो इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी उसमें आम आदमी पार्टी की भी हिस्सेदारी होगी। ये जो मैं गारंटी दे रहा हूं ये केजरीवाल की गारंटी है, इंडिया गठबंधन के साथियों से मैंने पूछा नहीं है, लेकिन मैं उनको मना के पूरी कराऊंगा। पहली गारंटी, पूरे देश में 24 घंटे बिजली का इंतजाम कर दूंगा, दिल्ली में कर दिया, पंजाब में कर दिया, करना आता है। गरीबों के लिए फ्री बिजली का इंतजाम कर दूंगा, दिल्ली में कर दिया, पंजाब में कर दिया, करना आता है, आपके लिए भी कर दूंगा, पूरे देश में कर दूंगा। दूसरी गारंटी, गांव गांव में शानदार सरकारी स्कूल बना दूंगा पूरे देश के अंदर, पूरे देश में। ये जो मैं कह रहा हूं ये काम 75 साल पहले 1950 की क्रांति हुई है, हरियाणा से शुरू हुई है क्रांति, हरियाणवी वीर पुरुष होते हैं, हरियाणवी जो होते हैं वो बहादुर लोग होते हैं, सारी क्रांति हरियाणा से शुरू हुई है, तो इस देश से तानाशाही को हटाने का कार्यक्रम भी हरियाणा से शुरू होना चाहिए। जिस दिन गिनती शुरू होगी, अभी मैं लोगों से बात करता हूं, कोई कहता है जी 5 सीट हरियाणा की, 6 सीट हरियाणा की इंडिया गठबंधन, 5-6 नहीं 10 की 10 सीट चाहिए इंडिया गठबंधन को, 10 की 10 सीट चाहिए इंडिया गठबंधन को, दोगे? मेहनत करनी पड़ेगी, सब लोगों को मेहनत करनी पड़ेगी। अब आजकल ये मोदी गारंटी, मोदी की गारंटी चल रही है, फर्जी गारंटी है। उन्होंने गारंटी दी थी 15-15 लाख रुपए आए किसी के, उन्होंने गारंटी दी थी 1 साल में 2 करोड़ नौकरी दूंगा, किसी को नौकरी मिली? उन्होंने गारंटी दी थी MSP दूंगा, स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करूंगा, किया उन्होंने? उन्होंने गारंटी दी थी 2022 तक किसानों की आय दुगनी हो जाएगी, हो ही गई? उन्होंने गारंटी दी थी 100 स्मार्ट सिटी बनाऊंगा, बनाया कोई? इसमें एक भी गारंटी पूरी नहीं करते हैं, और जो बदतमीजी करते हैं उनको टिकट दे के सम्मानित करते हैं। अब पूरे देश के अंदर हालात इनके खिलाफ हो रहे हैं। भाई साहब ये कह रहे थे 400 पार, मैं आज आपको लिख के दे रहा हूं इनकी 230 से ज्यादा सीट नहीं आती दोस्तों। पिताजी की दिल्ली है, दिल्ली इस देश के 140 करोड़ लोगों की, आपकी दिल्ली है, इनकी दिल्ली नहीं है। इस बार ऐसा बटन दबाना इन लोगों को दिल्ली के बाहर कर देना, दिल्ली के बाहर करोगे नहीं करोगे? इनको दिल्ली से बाहर भगाना है नहीं भगाना? हमारी पहलवान बेटियों के साथ इन्होंने कितनी बदतमीजी करी देखा आप लोगों ने, घसीट घसीट के। और जिस आदमी ने हमारी बेटियों के साथ बदतमीजी करी
जिसने उनके सम्मान पे हाथ डाला उसके बेटे को टिकट दे दिया। जब मैं तिहाड़ जेल में था इन लोगों ने मेरे को इंसुलिन बंद कर दी, 15 दिन तक इंसुलिन नहीं दी। मेरी 300 पहुंच गई, 350 पहुंच गई शुगर। मैंने इनको कहा मेरा लिवर खराब हो जाएगा, किडनी खराब हो जाएगा, ऐसा इन्होंने मेरे साथ सलूक करा। ये मेरा कसूर है, मेरा कसूर है। अब दिल्ली की हर महिला को 1000-1000 रुपए हर महीने उसके बैंक अकाउंट में दिया करूंगा, ये मेरा कसूर है भाई साहब। आपको बता दें कि कुरुक्षेत्र में पिहोवा उपमंडल पहुंचे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मोदी की गारंटी को फर्जी बताया। केजरीवाल ने लोगों से मार्मिक अपील करते हुए कहा कि मेरा क्या कसूर, मुझे क्यों जेल भेजा। अरविंद केजरीवाल ने दावा किया कि भाजपा 400 पार नहीं 230 सीटों पर ही सिमट जाएगी। पंजाब केसरी टीवी के लिए कुरुक्षेत्र से अशोक यादव की रिपोर्ट।